असलम आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट की अनैटमी के बारे में इससे रिलेटेड अगले लेक्चर्स आते रहेंगे जिसके अंदर ह्यूमन हार्ट की फिजियोलॉजी को भी मैं डील करूंगा और ह्यूमन हार्ट की एनेटमी को डेप्थ में पढ़ेंगे ठीक है आज बेसिक्स पढ़ने हैं ग्रॉस एनेटमी सरफेस अनैटमी और कुछ हार्ट के एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स ठीक है तो ह्यूमन हार्ट जो है उसका जो साइज़ होता है वो फिस्ट जितना होता है मुठ्ठी जितना ठीक है क्लोज फिस्ट जितना 300 हंड्रेड ग्रैंड वे करते हैं हार्ट हमारा और मेल्स के अंदर 300 होता है फीमेल्स के अंदर 250 फिफ्टी यहाँ पर से मैंने मेल्स का मेंशन किया हुआ है अगर हार्ट की पंपिंग एबिलिटी की बात की जाए तो हेल्दी नॉर्मल हार्ट कैन पम्प फाइव टू सिक्स लीटर्स ऑफ ब्लड डेली आप सोच सकते हैं फाइव टू सिक्स ब्लड कितना होता है और वह डेली पम्प करता है हार्ट ठीक है अगर हार्ट की बीट जनरेशन की बात की जाए तो सेवनटी टू बीट्स पर मिनट मतलब कि सेवनटी टू बीट सेवेंटी टू बार बीट करेगा एक मिनट में ह्यूमन हार्ट और थोड़ा सा वेरिएशन हो सकते हैं सिक्सटी टू एटी नॉर्मल कहते हैं लेकिन जो है अगर सिक्सटी से नीचे हार्ट बीट चली जाए तो इस कंडीशन को हम पैथोफिसोलॉजिकल टर्म कहते हैं और उसको कहते हैं हम ब्रेडिकार्ड या ठीक है और अगर टी से ऊपर अबव चले जाए बीट क्रॉस कर जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रैके कार्डिया ठीक है, है तो ये बात याद रखनी है एमसीक्यू से रिलेटेड है इसके अलावा हार्ट इज अ कोनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन ठीक है मस्कुलर ऑर्गन है कार्ड मसल रिस्पॉसिबल है इसकी एबिलिटी uh, का ठीक है और इसके अलावा जो है कोनिकल क्यों कहते हैं हार्ट को हार्ट की कोई स्पेसिफिक ऐसा शेप नहीं है लेकिन हार्ट की कोई शेप नहीं है तो हम उसको डिस्क्राइब किस तरह करेंगे तो जो एपिक्स है ना हार्ट का एक स्ट्रक्चर है वो फॉरवर्ड होता है डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स डाउनवर्ड ठीक है मतलब कि वो थोड़ा सा कोनिकल टाइप होता है और थोड़ा सा तिरछा होता है ठीक है तो इस वजह से उसको हार्ट को हम कोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं ठीक है अगर हार्ट की लोकेशन की बात की जाए तो हार्ट लोकेशन को मिसा डिस्क्राइब करते हैं द हार्ट इज प्रेजेंट इन द मीडियास्टिनम रीजन ऑफ कैविटी ठीक है cavity, तो इसका मतलब क्या 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 है और क्या है मीडियास्टिनम और कैविटी कैविटी हमारा जो जहां पर लंग्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कैविटी कहते हैं और लंग्स के इन बिटवीन जो खाली जगह होती है जहां हमारा हार्ट प्रेजेंट है उस जगह को हम कहते हैं मीडियास्टिनम मीडियास्टिनम के भी पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर से जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट होता है लेकिन यहां पर बात की गई है मिडिल मीडियास्टिनम जो मीडियास्टिनम जो लंग्स uh, के दरमिया जो स्पेस है उसका भी जो मिडिल पार्ट है और इंफीरियर है थोड़ा सा वहाँ हमारा हार्ट प्रेजेंट है तो ये इसकी प्रॉपर लोकेशन है मिडियास्टिनम की मैंने बात कर ली द स्पेस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग ठीक है तो हार्ट uh, की इंक्लोजिंग की बात की जाए तो हार्ट को कवर किया होता है एक फाइब्रस एक थिक लेयर ने मैं हार्ट की लेयर्स की बात नहीं कर रहा हार्ट की सबसे आउटर लेयर की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर वो प्रेजेंट होता है इंक्लोज होता है उसको हम कहते हैं डियम ठीक है ना पेरीकार्डियम सैक का एक अलग मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा ये क्वेश्चन भी आता है लॉन्ग क्वेश्चन में एनेटमी में ठीक है टेन मार्क्स का भी आ जाता है तो इसका मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा अभी आप ये समझ लें फाइब्रस बैग है ठीक है ना जिसके नाम हमारा हार्ट सेफली प्रेजेंट है ठीक है प्लेस्ड ऑब्लिकली ये वर्ड ऑब्लिकली लिखा हुआ है बिहाइंड स्टर्नम काफी बार एमसी क्यूज आ गए हैं कि हार्ट प्रेजेंट डैश ऑब्लिकली स्ट्रेट मतलब कि वो किस तरह प्रेजेंट है इसके ओरिएंटेशन क्या है ठीक है कहाँ प्रेजेंट हमने बात कर ली किसके अंदर प्रेजेंट है बात कर ली कैसे प्रेजेंट है अब बात ये कर रहे हैं तो प्रेजेंट ऑब्लिकली मतलब होता है, ऐसे। थोड़ा सा तो इसको कहते है एक तरह से मिड लाइन के नीचे आता हैं मिड लाइन हम हैं अब हार्ट का जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ना लेफ्ट हार्ट जो है हमारा वो थोड़ा सा जो है ना लेफ्ट की तरफ है ठीक है मतलब कहने का मकसद हार्ट है ना एज अ होल हार्ट वो लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा बाई एस है मतलब कि थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है और राइट right की तरफ कम है तो उसको हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं द हार्टन वन थर्ड लाइज टू द राइट ठीक है जो वन थर्ड है हार्ट का पोर्शन वो राइट right की तरफ है और टू थर्ड है वो लेफ्ट की तरफ इस वजह से लेफ्ट लंग का साइज थोड़ा सा छोटा होता है बिकॉज वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है हार्ट के साइज की, की वजह से जो लेफ्ट की लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट है इसके बाद हार्ट मैयर्स अबाउट ट्वेल्व मल्टीपलैबन नाइन सेंटीमीटर्स ये हार्ट की डायमेंशन है अब हम कुछ फीचर्स और अनेटमी की बात कर लेते हैं हार्ट की ह्यूमन हार्ट हैज फोर चैम्बर्स हार्ट के फोर चैम्बर्स होते हैं जिसके अंदर से ऊपर वाले जो होते हैं वो एट्रियाज होते हैं लेफ्ट एट्रिया राइट एट्रिया और नीचे वाले वेंट्रिकल्स ठीक है ये मैंने एक शो की हुई है डायग्राम सी तो उसके अंदर वाजिया है कि लेफ़्ट और राइट right वेंट्रिकल और एट्रिया ऑन द सर्फिस अब कुछ बात कर लेते हैं अभी हार्ट के इंटरनल फीचर्स नहीं एक्सटर्नल फीचर्स की कि हार्ट है तो उसकी सर्फिस के ऊपर क्या क्या क्याल चीज़ें मौजूद हैं तो अगर हार्ट की सर्फिस को देखें अभी डायसेक्टिंग या हार्ट को तो उसके ऊपर कुछ ग्रूव्स कुछ निशानात प्रेजेंट होते हैं जो नज़र आ रहे होते हैं ठीक है अब उन चीज़ों का उन का क्या मकसद है एट्रिया को एट्रिया से सेपरेट करना एक्सटर्नली और पोस्टीरियरली और वेंट्रिकल को वेंट्रिकल वेंट्रिकल से सेपरेट करना तो सर्फिस में एट्रिया सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल एट्रिया वेंट्रिकल से सेपरेट होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव और इसको सल्कस भी कहते हैं सल्काई भी कहते हैं सल्कस भी कहते हैं है, ग्रूव भी कहते हैं ठीक है, है ये मैं आगे चकल, चल चल बताऊंगा डायग्राम से और एट्रिया आपस में किस तरह सेपरेट होते हैं तो वो इंटर एट्रियल ग्रूव वेंट्रिकल सेपरेट होते हैं इंटर वेंटिकुलर ग्रूप यह मैं बात करूँ एक्सटर्नली या पोस्टीरियरली अभी इंटरनली जो सेपरेट होते हैं वो तो सेप्टा से होते हैं वो तो आपको ही पता है जो आ, हमारे चैम्बर्स हार्ट के सेपरेट होते हैं इंटरनली वो तो सेप्टा से होते हैं लेकिन एक्सटर्नली जो सेपरेट होते हैं जो लाइनिंग हमें नजर आती है जो मार्किंग्स नजर आती है उनको हम ग्रूव या सल्कस कहते हैं अब ये ह्यूमन हार्ट हैस ये चीज़ें मैं लिखी हुई मैं आगे, आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा डायग्राम से ग्रूव सल्काई जिनकी मैंने बात कर ली एपेक्स फारवर्ड एंड फारवर्ड एंड डाउनवर्ड टू वर्ड ये भी मैं बात करता हूँ आगे सर्विसज हैं तीन और मैंने प्लस टू लिखा हुआ है टू इसमें जिससे लिखा हुआ है कुछ ऐसे सर्विस जो लंग से अटैच uh, है फोर बॉर्डर्स हैं तो ये था हमारा हार्ट का अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट इसकी डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ और उसके साथ इसके फीचर्स को ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ सो so, ये हार्ट की एक डायग्राम है स्टैंडर्ड डायग्राम है जिसके अंदर एक्सटर्नल फीचर्स आराम से आपको शो हो रहे हैं जो मैंने ये बोल्ड करके ये लाइन्स लगाई हुई है ये एक्चुअली सेप्टा नहीं है सेप्टा जो है वो इंटरनल इंटरनली uh, हार्ट को सेपरेट करते हैं मैंने पहले ही बताया जो एक्सटर्नली सेपरेट करेंगे वो कुछ ग्रूवज होंगे कुछ मार्किंग्स होंगे जिनको हम सलकस कहेंगे ठीक है तो तीन तरह के ग्रूज हैं एट्रियो वेंटिकुलर ग्रुप वो होगा जो एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा अब यहाँ पर क्या है जो एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करें एट्रिया ये है वेंट्रिकल ये तो ये वाला ग्रूव और ये वाला ग्रुप एट्रियो वेंटिकुलर ग्रुप है इंटर वेंटिकुलर जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करेगा ये लेंथ वाइज जो बड़ा है ये है इंटर वेंटिकुलर ग्रुप और इंटर एट्रियल ग्रुप ये है तो ये थी ग्रूव सल्कस अब बॉर्डर्स की बात करते हैं तो चार किस्म के बॉर्डर हैं अपर बॉर्डर में जो आ, हमारे पास हार्ट का पोर्शन आएगा उसके अंदर एट्रियाज हैं दोनों लेकिन ज़्यादा जो पोर्शन होगा वो लेफ्ट एट्रिया का होगा ठीक है अब ये ये पूरा अपर बॉर्डर है ठीक है लेकिन लेफ्ट ये देखें लेफ्ट जो है इसका पोर्शन ज़्यादा है तो हम कहेंगे मेनली लेफ्ट जो है लेफ्ट पोर्शन ऑफ एट्रिया ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है अपर बॉर्डर में इंफीरियर बॉर्डर जो है वो वो जो है वो पूरा का पूरा राइट वेंट्रिकल से बनता है ये इन्फीरियर बॉर्डर है और ये पूरा ही राइट वेंट्रिकल से बना हुआ है ये और इसकी अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं तो एक्सटेंड्स फ्राम इन्फीरियर वीना केवा टू एपेक्स ये एपेक्स है ठीक है यहां तक ये सारा इन्फीरियर बॉर्डर है लेफ्ट बॉर्डर जो है लेफ्ट ए टी एम और वेंटिकल से बनेगा यहां से लेकर यहां तक ये सारा लेफ्ट बॉर्डर है और राइट right बॉर्डर जो है वो यहाँ से लेकर यहां तक तो ये ये क्या चीज है ये है राइट ए टी एम और इसकी एक्सटेंशन क्या होगी फ्राम द सुपेयर मीना केवा टू इन्फीरियर मीना केवा तो ये थे बॉर्डर अब सरफेस की बात करें तो मैंने आपको बताया था सर्फेसिस पाँच है तीन जो है इसकी मेजर सर्फेस है जिसके अंदर एंटीरियर सर्फेस जिसको स्टर्नल कोस्टल सर्फेस कहते हैं फिर है इंफीरियर डाफ्रेगमेटिक सर्फेस और लास्ट है लेफ्ट सर्फेस और इसके अलावा दो सर्फेस जो लेफ्ट और राइट सर्फेस है अब जो इंटीरियर सर्फेस है ना वो जो स्टर्नल कोस्टल है हम इसको स्टर्नल कोस्टल सर्फेस क्यों कहते हैं जो हमारे पास स्टर्नम है स्टर्नम का बॉडी पार्ट है स्टर्नम बोन है ना जिससे रिब्स रिब केज अटैच होता है ठीक है तो वो बोन बिल्कुल मिडल में होती है और उसके नीचे ही बिल्कुल हमारा हार्ट प्रेजेंट है तो एक हार्ट की सर्फेस वो कहते हैं कहाँ कहाँ से हार्ट अटैच हुआ है टच में है। तो हार्ट टच में रहता है हम हर वक्त स्टर्नो कोस्टल मतलब के स्टर्नम से ठीक है और इसी सर्फेस को हम कहते हैं एंटीरियर सर्फेस ठीक है मेनली अब वो सर्फेस किस किस तरह से अटैच होती है अगर स्टर्नम है ये देखें स्टर्नम है तो ये स्टर्नम और थोड़ी सी वाइड होती है ठीक है तो ये सारी सर्फेस से जुड़ी हुई लेकिन मेनली राइट एंड राइट एंट्री और राइट वेंट्रिकल जो होते हैं वो टच में होते हैं और थोड़ा पोर्शन लेफ्ट एंड लेफ्ट एंट्री और लेफ्ट वेंट्रिकल का भी टच में होता है इंफीरियर सर्फेस में अगर मैं बताऊँ तो वो डायफ्राम के साथ कनेक्ट होती है टच में होती है ठीक है और डायफ्राम जो है आपको पता है शेप बैग है और डायफ्राम का जो सेंट्रल टेंडन है मतलब सेंटर वाला पोर्शन उसके साथ हार्ट अटैच होता है ये ऐसे है। ये डायफ्राम है तो ये सारी सर्फेस नीचे वाली डाइफ्रेगमेटिक सर्फेस होगी लेफ्ट सर्फेस जो है वो लेफ्ट एंटिकल और लेफ्ट लेफ्ट एट्रियस और यहाँ लिखना था लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट एटिकल से है ये और लेफ्ट सर्फेस को हम कहते हैं लेफ्ट पल्मोनरी हार्ट सर्फेस क्योंकि ये लेफ्ट सर्फेस पूरी की पूरी जो है ये हमारी लेफ्ट लंग से टच में रहती है और यहाँ पर इस जगह पर लेफ्ट लंग्स के साथ हार्ट की अपेक्स भी अटैच होती है तो इससे क्या पता चला लेफ्ट लंग जो होता है वो हमारा छोटा होता है और जिस पोर्शन के साथ जिस पोर्शन जो लंग का पोर्शन होता है जो अटैच होता है हार्ट के साथ उसको हम कहते हैं कार्डियक नॉच ठीक है ना कार्डियक नॉच के साथ अटैच होता है ये ये इस तरह के नॉच बनी होती है ठीक है अब इसके अलावा जो है पोस्टीरियर सर्फेस है जो पोस्टीरियर सर्फेस है वो हमारी हार्ट uh, की बैक साइड पे ठीक है और पोस्टीरियर सर्फेस पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल से अटैच है ठीक है इसके अलावा राइट सरफेस है जो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक पोस्टीरियर सरफेस है और एक राइट right सरफेस है ठीक है अब जो राइट right सरफेस है इस इस साइड पर वो राइट right लंग्स के साथ अटैच है तो ये थे सर्फेस uh, अब बेस की बात करूँ तो जो बेस है ना हार्ट की वो नीचे अगर हार्ट को मैं थोड़ा सा यूँ करूँ तो वो नीचे बेस जितनी भी होगी वो बेस है बेस जो है वो पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होती है और एपेक्स की मैंने बात कर ली ये जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स फॉरवर्ड डाउनवर्ड जो है और टुवर्ड्स लेफ्ट तो इसको हम एपिक्स कहते हैं तो ये था आज का हार्ट का मेरा टॉपिक जिसमें मैंने हार्ट की रिलेटेड छोटी छोटी बातें बताई इन से रिलेटेड और डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करके बताया तो अगला लेक्चर मेरा हार्ट पे ही होगा जिसका नाम होगा पेरिकार्डियम जो मैंने आपको लेयर्स का बताना है तो वो पेरिकार्डियम पे मेरा टॉपिक होगा और इंशाल्लाह आगे भी मैं इस तरह फिजियो में भी आगे लेक्चर्स अपलोड करूंगा हार्ट की प्रॉपर्टीज़ कार्डिक साइकिल ईसीजी मैंने अपलोड कर दिया है वो जाकर चेक कर सकते हैं और कार्डिक मसल और इस मसल में सारे में डिफरेंस तो ये सारा मैं अपलोड करूँगा